नए साल की पूर्व संध्या पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुई बीटेक के फाइनल ईयर छात्रा स्वीटी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सैकड़ों छात्रों ने एकत्र होकर हाथों में छात्रा के पोस्टर लिए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही छात्रों ने नोएडा पुलिस का भी धन्यवाद किया है। मूल रूप से बिहार की रहने वाली स्वीटी के इलाज पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस कारण उसके साथ ही उसके इलाज के लिए क्राउड फंडिंग कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद मांगी गई है। वहीं कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कर्मियों ने एक दिन का वेतन 10 लाख रुपए की धनराशि इलाज के लिए दी है। मैं सर यहाँ पेपर देने आया हूँ 7th semester का, हाँ? फाइनल ईयर का, हाँ? और सर हम यहाँ खड़े इसलिए हैं, सर आपने शायद न्यूज देखा होगा 31 तारीख की रात को हमारी बहन हमारी दोस्त स्वीटी कुमारी जिनका एक्सीडेंट हो गया था अंतर्गत थाना बीटा 2 के अंतर्गत, उन्हें सर कार वालों ने कुचल के सर भाग गए थे। हम सर ये चाहते हैं सर, काफी दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई बिहार से कोई कहीं से सर पढ़ने आता है, उस बच्ची के साथ इतना गलत हुआ। हाँ, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ नोएडा पुलिस को जो हमें पैसे से मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। बस मैं इसके साथ यही कहना चाहूँगा, कल को ये कांड जो आज स्वीटी के साथ हुआ है किसी अन्य के साथ ना हो। हमारा जो ये पोस्टर है, ये आप देख रहे हैं, हाँ। ये पोस्टर हमारा बहुत जगह सर्कुलेट हो चुका है और ये बहुत लोगों तक पहुंच चुका है। उन्होंने हम सारे लड़कों ने भी मदद करी है, कॉलेज से भी हमारा मदद मिला है। तकरीबन लगभग सभी बच्चों से 1000, 2000, 500, 200 जितना जिसका कैपेबिलिटी है उतना हमने इकट्ठा करा है। टोटल हम स्टूडेंट फंड से हमने जो जमा करा है करीब 10-12 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। नोएडा पुलिस ने भी हमारी मदद करी है और अभी भी वो 10-12 लाख से कम पड़ रहे हैं। उसे हॉस्पिटल का बिल, एक दिन का बिल 2.5 लाख, 3 लाख बिल आ रहा है, तो ये 10-12 लाख भी बहुत कम पड़ रहा है। तो हमें अभी भी और डोनेशन की आवश्यकता है। आप लोग, हमारी ये मांग है कि जैसे स्वीटी के साथ जो हादसा हुआ 31 को, तो हमारी पुलिस ने बहुत मदद की, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं कैमराज नहीं है, CCTV कैमरे बढ़ा दिए जाए जिससे हम बहुत जल्दी ही लाइक पता चल जाए लोगों को कि कहाँ क्या हो रहा है, पुलिस हमें ट्रैक अपराधियों को ट्रैक कर सके। तो हमारी ये मांग है कि CCTV और बढ़ाए जाएं ताकि ऐसे हादसे आगे ना हो।